Hindi subject. And today we are going to learn a new topic of grammar. आज हम व्याकरण देखने जा रहे हैं, जिसमें हम देखने जा रहे हैं क्रिया के काल। काल का अर्थ है समय। काल का अर्थ क्या है? समय। और क्रिया किसे कहते हैं? कार्य होने या करने को क्रिया कहा जाता है। कार्य होने या करने को क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्रिया के काल। क्रिया के काल तीन प्रकार के हैं। काल के कितने प्रकार हैं? तीन। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तीन प्रकार है काल के। यह तीन प्रकार है, कौन कौन से बताए मैंने? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। इसकी जानकारी हमने पहले भी ली है। काल के तीन प्रकार हमने देखे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल यानी क्या? आज। आज का समय, जो समय चल रहा है। भूतकाल यानी बीता हुआ कल। भूतकाल यानी क्या? वर्तमान काल यानी क्या? आज। वर्तमान काल यानी आज। भूतकाल यानी बीता हुआ समय, बीता हुआ कल। और भविष्यकाल यानी क्या? आने वाला समय या फिर आने वाला कल। तो चलो देखते हैं वर्तमान काल। बच्चों, वर्तमान काल में भी तीन प्रकार है। वर्तमान काल में भी तीन प्रकार है। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल के तीन प्रकार हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। तो चलो देखते हैं सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल। क्रिया का जो रूप उसका वर्तमान समय में होना सूचित करता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया का जो रूप उसका वर्तमान समय में होना सूचित करता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो चलो देखते हैं कुछ उदाहरण। हम घूमने जाते हैं। हम घूमने जाते हैं। बच्चे पढ़ाई करते हैं। पहला वाक्य हमने लिया, हम घूमने जाते हैं। दूसरा वाक्य है, पढ़ाई करते हैं। तीसरा वाक्य है, कोयल गाना गाती है। कोयल गाना गाती है। तो यह वाक्य देखो, इसमें क्रिया शब्द कौन कौन से है? इन वाक्यों के अनुसार हमें क्या समझ में आया कि सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के अंत में ता, ती, ते इनका प्रयोग होता है। सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के अंत में ता, ती, ते का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार यह सामान्य वर्तमान काल के कुछ उदाहरण है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा हम देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह सूचित होता है, क्रिया के जिस रूप से यह सूचित होता है कि क्रिया शुरू हो चुकी है पर अभी तक पूरी नहीं हुई। क्रिया शुरू हो चुकी है पर अभी तक पूरी नहीं हुई है।
अर्थात अपूर्ण है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। परिभाषा क्या देखी हमने? क्रिया के जिस रूप से यह सूचित होता है कि क्रिया शुरू हो चुकी है लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुई, अर्थात अपूर्ण है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो चलो देखते हैं अपूर्ण वर्तमान काल के कुछ उदाहरण। उदाहरण हम देखते हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षियों के उड़ने की क्रिया शुरू हो चुकी है लेकिन वह क्रिया रुक चुकी है क्या? अभी नहीं, वह उड़ रहे हैं, वह क्रिया पूरी नहीं हुई है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्रिया अभी शुरू है, वह खत्म नहीं हुई, अभी तक वह पूर्ण नहीं हुई है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। दूसरा वाक्य है, हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं। हमारी पढ़ाई शुरू हो चुकी है लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुई। दूसरा वाक्य क्या कहा मैंने? हम पढ़ रहे हैं। बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण है यहाँ पर। गाड़ी आ रही है। बारिश हो रही है। सोफा हमें बुला रहा है। यह कुछ अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य। तो आगे बढ़ते हैं पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल का तीसरा प्रकार हम देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से यह सूचित होता है कि क्रिया भूतकाल में शुरू हुई थी और वर्तमान काल में समाप्त हो चुकी है। क्रिया के जिस रूप से यह सूचित होता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था। कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था और वह वर्तमान काल में समाप्त हो गया है। वर्तमान काल में समाप्त हो गया है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था और वर्तमान काल में वह समाप्त हो चुका है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो चलो देखते हैं कुछ उदाहरण पूर्ण वर्तमान काल के। पहला वाक्य है, माँ ने आपको बुलाया है। माँ ने आपको बुलाया है। पक्षी उड़ गए हैं। पढ़ाई हो चुकी है। हम खाना खा चुके हैं। इन वाक्यों में देखो क्रिया समाप्त जरूर हुई है लेकिन ज्यादा समय नहीं हुआ है। इन वाक्यों से हमें यह सूचित होता है कि क्रिया पूर्ण हो चुकी है लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता है, इसलिए यह क्या है? पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया पूर्ण हो चुकी है लेकिन क्रिया पूर्ण हुए ज्यादा समय नहीं बीता है। इन वाक्यों से हमें यह सूचित होता है क्रिया पूर्ण तो हो चुकी है लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता है, इसलिए यह क्या है? पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य। वर्तमान काल में हमने तीन प्रकार देखे,
सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। तो आपको इन वर्तमान काल के तीन प्रकार के परिभाषाएं और उनके उदाहरण का अभ्यास करना है और हर प्रकार के पांच पांच वाक्य भी लिखने हैं। जैसे सामान्य वर्तमान काल के कुछ एक्स्ट्रा पांच उदाहरण, अपूर्ण वर्तमान काल के पांच उदाहरण और पूर्ण वर्तमान काल के पांच उदाहरण आपको लिखने। अगले भाग में हम देखेंगे भूतकाल।